इसने क्या करा भी है, सिकने मार दी। अरे कहना क्या चाहते हो? स्टेरॉइड दे दिया स्टेरॉइड। Hi guys, I am Karthik. And I am Gaurav. Welcome back to Wheels Wanderlust. आज थोड़ा सा हम जल्दी में भाई, तो फटाफट आज हम लेके आए आपके लिए Hyundai Verna 2020 मॉडल, जो बेसिकली फेसलिफ्ट आया अभी रिसेंटली, VS6 वर्जन। जो अब फेसलिफ्ट आया उसमें हल्का फुल्का चेंज है फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर और अलॉय में, वो बता देते हैं। बेसिकली फ्रंट में क्या है, ब्लैक क्रोम ग्रिल दे रखी है, जो बेसिकली डार्क वाली ग्रिल चेंज कर दी, वो बड़ी कर दी, और बड़ी कर दी पिछली वाली से। और वैसे डिजाइन भी कितना अच्छा लगा रहा है ना, इस बार स्पोर्टी सी लग रही है थोड़ी सी कार, और स्पोर्टी बना दी, पिछली वाली तो थी अब और स्पोर्टी बना दी। और हेडलाइट देखोगे, हेडलाइट चेंज कर दी, जो इसकी DRL आती थी वो पहले नीचे आती थी एल शेप में, अब उल्टी कर दी। हाँ, बेसिकली उल्टी कर दी। और प्रोजेक्टर लैंप आते थे वो हटा के LED कर दी थी। और जो बटे एक जो कमी खलती है वो वाली है कि भाई इसमें जो इंडिकेटर है वो बल्ब वाले दे रखे हैं, बाकी वो तो पहले ही बल्ब थे। हाँ वो तो है ही, बट फिर भी जैसे अभी वो दे रही है होंडा की सारी LED लाइट है पूरी। हाँ वो भी है, मतलब एज कम्पेयर करें तो। हाँ सिटी के मुकाबले तो बस बाहर से एक्सटीरियर से ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, अलॉय में चेंजेस है। ये फ्रंट प्रोफाइल की बात थी, साइड प्रोफाइल में ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, सिमिलर है, सिर्फ अलॉय चेंज है। अलॉय का डिजाइन और बढ़िया बना दिया, पहला वाला भी अच्छा था, ये और अच्छा था, डायमंड कट करके अच्छा था बना, थोड़ा ब्लैक ट्रीटमेंट और दे दिया, थोड़ी स्पोर्टी लुक, मतलब कोशिश कर रखे स्पोर्टी लुक बनाने के लिए, और मतलब कामयाब भी हो रखे इस चीज में वो। और रियर में देखे तो ज्यादा चेंज नहीं है, लाइट वगैरह सेम है, सिर्फ एक नीचे बम्पर पे एक डिफ्यूजर दे दिया, और फेक डिफ्यूजर है जो बेसिकली वो थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए डिफ्यूजर दे देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब आते हैं अंदर, जैसे कि आप बैठे हैं अंदर बैठी हैं। हाँ। अंदर इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर में ज्यादा चेंज नहीं है, डिजाइन वही सेम है, क्वालिटी वही सेम है, हाँ। बस थोड़ी बहुत चेंजेस है वो बताएगा गौरव, बता भी। तो भाई जब तो सबसे पहले घुसते जो सबसे पहले बात आती है वो आती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, उसमें बेसिकली पहले आता था एनालॉग वाला सारा, अब कर दिया पूरा डिजिटल, जो मतलब यार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 7 सीरीज जो मैंने देखी है 7 सीरीज से उसके जैसा, और मतलब इस रेंज की कार में इतना अच्छा देना मेरे को अच्छा लगा बेसिकली देख के। आपको सिंपल से वर्ड बताऊं, काफी अच्छा है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मतलब फीचर से लोडेड है। अपने बीच में इन्हें MID दे रखी है, साइड में डिजिटल वाला है, लेफ्ट साइड में देखे तो स्पीड का, राइट साइड में RPM का है, और बीच में मैंने आपको बताई दी MID है जिसमें काफी सारे फीचर्स है, एवरेज वगैरह हो गई, करंट फ्यूल के उनमें हो गई, ट्रिप वगैरह ये सारी चीजें तो होती है बेसिकली वो सब है। और फिर उसके बाद करते हैं हमने स्टेयरिंग व्हील की बात, स्टेयरिंग तो वही सेम स्टेयरिंग व्हील दे रखा जो पहले था, बाकी कंट्रोल राइट साइड में कंट्रोल दे रखे सारे क्रूज कंट्रोल वगैरह के लिए, और जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है उसके लिए कंट्रोल दे रखे सारे लेफ्ट में, और बाकी बस यही है वॉइस कंट्रोल दे रखा। आप इसमें ब्लू लिंक सिस्टम है कि अपना भाई बोल के खुद ही करा सकते हो कि कहीं नेविगेट वगैरह कराना है तो वो सब चीजें इसमें, मतलब अगर आपने पुरानी वरना देखी है बेसिकली उसके जैसा ही है सब कुछ। ये थोड़ी सी टच स्क्रीन बढ़ा दिया, वो थी 7 इंच की, ये बेसिकली अराउंड 8 इंच की है, और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना दिया। और रही बात जो मेजर चेंज मेरे को लगता है वो AC वेंट्स के डिजाइन में, तेरे को कैसे लग रहा ना? ये अच्छा, पिछले वाले से काफी अच्छा है ना, मेरे को भी जो अलग से देखा थोड़ा सैटिन क्रोम, और ये जो बटन वगैरह यूज करे गए हैं ना ये काफी अच्छे हैं, प्रीमियमनेस देते हैं। हाँ बेसिकली, और फिर टच स्क्रीन के नीचे जस्ट दे रखा है कि उसके कंट्रोल्स थोड़े से और मैप्स वगैरह नेविगेशन सेटअप वगैरह और ये सब के लिए, अपना वही सिंपल से नोब दे रखे हैं वॉल्यूम के लिए और उसके लिए रेडियो वगैरह चेंज करने के लिए, जो काफी ज्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए। बाकी ओवरऑल कुछ चेंज नहीं है, डिजाइन और जो क्वालिटी है सारी सेम है। हाँ
तो भाई और अब फीचर्स की बात करें तो भाई अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर की किंग है ये Hyundai, बेसिकली Hyundai की कार ही सारी फीचर की किंग है। और भाई इसमें जैसे कि वेंटिलेटेड सीट जो इस सेगमेंट में किसी में नहीं आती, और जो सबसे मतलब बेसिक तो नहीं कह रहा मैं, बट फीचर होना चाहिए कार में बिल्कुल। भाई आदमी कहीं काम से जा रहा है अपना किसी गर्मी में, इंडिया का तुम्हें वेदर पता ही कैसा हाल रहता है, और उस हिसाब से गर्मी वगैरह हो जाती है, पसीने वगैरह से सारी शर्ट वगैरह खराब हो जाती है, तो उसके लिए काफी अच्छा फीचर है। उसके बाद बात रही सनरूफ की, जो इस सेगमेंट में आई रहा है काफी कारों में, तो सनरूफ भी काफी अच्छा है, सही है। स्पेस वाइज भी देखो, साइज वाइज भी देखो तो काफी अच्छा है। जो पुरानी थी फेसलिफ्ट से पहले सेम साइज है, हाँ तो सेम साइज है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। और भाई एक फीचर में एक चीज और है कि वायरलेस चार्जिंग का दे रखा है इसमें ऑप्शन, जो काफी अच्छी बात है। अपना फोन आराम से रखो, चार्ज होता रहेगा और चलता रहेगा। और भाई दो आगे सॉकेट दे रखे हैं यूएसबी का, एक 12 वोल्ट का चार्जर और एक फिर ये नॉर्मल चार्जर दे रखा है जो कार चार्जर आते हैं उसके लिए सॉकेट। और बस हैंडरेस्ट वगैरह सही है, अगर फिर बताएं बस बाकी यही है भाई फीचर्स वगैरह में। और रही बात, अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की कि भाई प्लास्टिक की या इंटीरियर की बेसिकली क्वालिटी कैसी है। भाई मैं बताऊं तो हार्ड प्लास्टिक है, मतलब अगर यही मैं होंडा सिटी से कंपेयर करूँ ना इस चीज़ में बेसिक से होंडा सिटी के रेट ज़्यादा बेटर इस चीज़ में भाई, वो प्रीमियम लगती है कार। यहाँ बेसिकली इतनी प्रीमियम वाली फील नहीं आएगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया, ऑलमोस्ट सारी जगह हार्ड प्लास्टिक यूज़ है। और भाई इंटीरियर के मैं कलरिंग की बता दूँ तो इसमें भाई ऊपर ब्लैक और नीचे बेज कलर दे रखा है जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बस यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं है बताने के लिए इसमें। तो अब बात करते हैं ड्राइविंग की, जो कि मैं बताऊंगा इंजन तो क्या है। राणा बेसिकली तुम्हें ये कह रहा मैं चलाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को जल्दी जल्दी रिव्यू करो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो जरा राणा आता है सीट पे, तो इसमें वही 6-way एडजस्टेबल सीट है, हाइट रिक्लाइन और अप्रोच के लिए। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है, वो भी अच्छी बात है। और अगर मैं पैसेंजर साइड की सीट बात करूँ तो 4-way एडजस्टेबल है और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें करने के लिए। मैं अगर आपको थोड़ी सी इतना राना चला के देख रहा है, इतना मैं स्टोरेज स्पेसिस का बता दूँ आपको। भाई डैशबोर्ड मतलब ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ज़्यादा कुछ छोटा नहीं है। और अगर मैं साइड में बॉटल स्टोरेज स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आराम से 2 बॉटल 1-1 लीटर की ईजिली आ जाएंगी। फिर रही बात यहाँ फ़ोन का दे रखा है, अगर फ़ोन रखोगे तो फिर और कुछ रखने की जगह बचती नहीं है। बाकी फिर गियर के नीचे 2 ग्लास होल्डर दे रखे हैं। और हैंडरेस्ट की बात करूँ, हाथ रही हैंडरेस्ट भाई ठीक है, साइज़ ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, तो हैंडरेस्ट बाकी सही है साइज़ के लिए। और तो कुछ ज़्यादा मतलब स्पेशियस आगे से है, इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए सेडान वगैरह, इतनी है नहीं। तो वरना की बात करूँ तो वरना में 3 ऑप्शन है इंजन में, एक 1.5 डीजल, एक 1.5 पेट्रोल और एक 1 लीटर जो टर्बो चार्ज है डीसीटी के साथ। तो आज हमारे पास है 1.5 डीजल जो कि 113 bhp की पावर देता है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि 1.6 से कम है। हाँ तो भाई 100 cc ने कम भी करी है यार, एवरेज की बता दे। तो इसने क्या करा, DSS ने मार दी इसकी, जो मज़ा आता रहा डीजल इंजन का वो अभी है बट हल्का सा कम कर दिया, जो वरना डीजल का जो बात थी ना वो अपने सेगमेंट में। हाँ कि भाई जैसे अगर पेट्रोल ले रहे थे आप होंडा सिटी के लिए प्रेफर करते थे, और डीजल के लिए हम यही प्रेफर करते थे कि भाई वरना लो बढ़िया कार थी, थोड़ा एक मिनी डीजल रॉकेट कहते थे इसे। हाँ। क्रूज के बाद अगर किसी को डीजल रॉकेट कहा गया था तो वो वरना थी ऑटोमेटिक मैनुअल, सॉरी वरना मैनुअल। आज हमारे पास है 6-speed ऑटोमेटिक और ये गाड़ी चलाने में उतना मज़ा नहीं है क्योंकि इसमें वही एकदम से वो ऑटोमेटिक का इफेक्ट आता है, एकदम से गाड़ी उस टीयर पर वही रबर बैंड वाला मैटर चल रहा है। हाँ मज़ा नहीं है मतलब चलाने में ऑटोमेटिक में, मज़ा नहीं। डीजल में बढ़िया गाड़ी है, डीजल चला रखी है मैंने मैनुअल, मैनुअल चला रखे है मैंने और उसमें फील आती है कि हाँ कि मतलब है एक मिनी सस्ता डीजल रॉकेट कह सकते हैं उसमें, ऑटोमेटिक में वो फील नहीं है। और तो बस राणा तू इसकी हैंडलिंग वगैरह की बता भाई, जो अपनी फेमस है Hyundai उसके बारे में बता के दिखाई। हैंडलिंग नहीं, इसकी हैंडलिंग बहुत बेकार है, हैंडलिंग मतलब स्टीयरिंग फीडबैक है ना, फील और फीडबैक, आई स्पीड स्टेबिलिटी, वो आपको पता ही है Hyundai का सबसे बेकार है। बेसिकली इसमें क्या है, आपको ना कॉन्फिडेंस का नहीं देगा कि भाई आप हाई स्पीड बता के सेंटर में डेड हो जाता है। हाँ आप वहीं अगर होंडा सिटी चलाओगे और उसका फील लोगे ना तो उसको आपको अलग से पता चलेगा कि क्या फील और फीडबैक है उसका। मतलब ये है कि आप जैसे जयपुर वाले रास्ते पर जा रहे हो
और आपको पता है जयपुर वाले दिल्ली टू जयपुर में कितने ट्रक है, आपको अगर कट मारते उड़ जाना है तो इसमें वो फील नहीं आएगी आपकी जितनी होंडा सिटी में है। ये है सिंपल साइज का, वो बता रहा हूँ होंडा के साथ ही। राइड क्वालिटी इसकी थोड़ी सॉफ्टर साइड है, होंडा सिटी की थोड़ी स्टिफ है। राइड क्वालिटी के मामले में इन दोनों गाड़ियों को वो बीट करती है वो है मारुति की सियान। उसकी राइड क्वालिटी एकदम परफेक्ट है, बैलेंस्ड बीच में। हाँ, इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। मेन बात इसमें क्या है, आपको अगर थोड़ा बॉडी रोल भी है ना, जैसे हम कट ले रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई बॉडी रोल है, लेके देखिए ज़रा, थोड़ा शार्प कट आ रहा है तो बॉडी रोल। बॉडी रोल इसलिए है क्योंकि वो है सॉफ्ट सस्पेंशन है। हाँ, तो शायद उसकी वजह से भी सॉफ्ट सस्पेंशन है तो वो थोड़ा गाड़ी ऐसे मूव करती है तो इसलिए बॉडी रोल हल्का सा फील होता है, स्टिफ में ये होता नहीं है। और राइड क्वालिटी की बात होगी, ये होगी हैंडलिंग की, बाकी ORVMs वगैरह का साइज पुराना है। सीट की कंफर्ट बता दे एक बार। सीट कंफर्टेबल है, आगे की तो लगी भाई, मैंने अभी आगे की देख, पीछे की देखी नहीं है भाई बैठ के, सिंपल सी आगे की थोड़ी सी मेरे को इस साइड की नीचे सी लगी, और बाकी नीचे कार तो नीचे तो लगेगी, बाकी कंफर्टेबल सीट है। वो होंडा सिटी का मुकाबला नहीं है फिर आपको भाई, होंडा सिटी ले रात में नहीं इस चीज में है भाई, मैं कहूंगा मैं मेरे पास नहीं है होंडा सिटी, और मैं बीच में बैलेंस बना के चलूँ तो बता रहा हूँ होंडा सिटी से नहीं, होंडा सिटी इससे बेटर है, उसकी सीट कंफर्ट है। हाँ, तो बस भाई यही है इतना सीटिंग का, बाकी अपने बताते पीछे बैठ के, पीछे तो मैं भाई मैं राणा को भेज देता हूँ। ड्राइविंग का बस यही है। हाँ, ड्राइविंग का मेन एक चीज और बता दूं मैं, ये सेम इंजन सेल्टोस में भी है और सेम इंजन क्रेटा में भी है, बट जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है या लोग कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया जो ये इंजन ट्यून करके जो फील आती है ना ड्राइविंग की, उससे सबसे ज्यादा आती है वरना में, ना क्रेटा में आती ना सेल्टोस में। तो शायद वेट की वजह से भी हो रहा होगा, वेट भी और सेगमेंट भी, बॉडी की डायनामिक्स इसके सेडान है, सही बात है। वह एसयूवी तो नहीं कह सकते, अल्टीमेट एसयूवी कहते तो है बट है नहीं, मैं बट भाई वही है कि वो हैचबैक से वो ऐड है पूरा, ना हैचबैक से स्टेरॉइड्स दे दिया और फूल गई, और वह हैचबैक ऑन स्टेरॉइड्स कर सकते हैं। बाकी यही है, रियर सीटें कंफर्ट देख लेते हैं एक बारी चल के, ज्यादा मोटा मोटी मेरे को पता है कि इसमें इतना स्पेस नहीं जितना सियाज और सिटी में। अरे कहना क्या चाहते हो? बेसिकली राणा के हिसाब से सीट की स्पेस कैसा है बता देंगे। तो ये देख सकते हो आप, न्यू रूम है, टच तो नहीं हो रही बट उतना नहीं है जितना एक सेडान में होना चाहिए जो इसके कॉम्पिटिटर्स ऑफर करते हैं आपको। अरे तूने ये तो फिर भी सीट आगे कर रखी है ना। हाँ, सीट आगे कर रखी, यही बता दें ना, क्योंकि भाई अगर राणा की हाइट के हिसाब से अगर एडजस्ट है तो साइड वाली सीट है, साइड है, उस साइड हम इसलिए नहीं बैठे क्योंकि वहाँ लाइटिंग अच्छी है तो दिखता नहीं। बाकी बैक सपोर्ट ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो मेरा सर टच हो रहा है क्योंकि इसका वो थोड़ा कूपे लाइक डिजाइन बना रखा है स्पोर्टी लुक देने के लिए, तो पीछे का जो हेड रूम है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज कर रखा है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। फ्लोर फ्लैट है, तीन पैसेंजर बैठ सकते हैं, सेंटर में कोई वो नहीं है हेडरेस्ट, थर्ड बेसिकली वही हुंडई वालों ने मना कर रखे बिठाने के लिए जो कि नई होंडा सिटी में आया है 2020 की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पीछे यहाँ दो एसी वेंट्स है और एक पावर सॉकेट है जो डायरेक्ट यूएसबी वाला है, वो वाला नहीं है 12 वोल्ट वाला, यूएसबी से है फास्ट चार्जिंग वाला। बाकी यही है, पीछे एक मैनुअल सनब्लाइंड है जो कि कंपनी से फिटेड आता है। बाकी ओवरऑल सीट कंफर्टेबल ठीक है, बट हेड रूम और लेग रूम बिल्कुल भी नहीं है मेरी हाइट के हिसाब से, मतलब जो इस सेगमेंट की गाड़ी ऑफर करती है ना उतना नहीं है। बाकी वैसे ठीक है, आपके नीचे फ्लोर भी फ्लैट है, सीट के नीचे ऊपर नहीं है तो आप अपने पैर अंदर डाल के फैला सकते हैं अच्छी तरह से। तो बाकी यही रियर सीट का, जैसे कि आप आते हो पीछे तो ये तीन बार टू 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 करके बोलेगी और इसके बाद इसका बूट खुल जाएगा। बाकी अगर बूट स्पेस की साइज़ की बात करूँ तो इसमें 480 लीटर का बूट स्पेस आता है जो काफ़ी अच्छा है, मतलब होंडा सिटी से कम है बट सही है साइज हिसाब से। और बाकी करते हैं इसे बंद और अपना वीडियो को करते हैं यहीं कंक्लूड। तो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, मेरे को तो ओवरऑल ये वरना काफ़ी अच्छी लगती है बट जाएँ मेरे को मज़ा नहीं आता ना, वो तो एक इसकी हैंडलिंग में और एक इसका जो स्पेस नहीं है वो। और मेरे को ये लगती है भाई इस चीज़ के लिए लुक वाइज तो मेरे को होंडा सिटी से बेटर लगती है, बट लुक वाइज के लिए यंगस्टर्स के लिए काफ़ी अपीलिंग है, मेरे को भी काफ़ी पसंद है, बस इसमें वही दिक्कत है यार, इस सेगमेंट की कार लेके आपके पास स्पेस नहीं है। हाँ, क्या फायदा स्पेस की दिक्कत, तो भाई मैं भी कहूँगा कि मेरे को भी लगती है स्पेस की। बाकी इंटीरियर मेरे को ना इसका अच्छा लगा होंडा सिटी से, और फीचर की बात करें तो इसका भाई हाँ, फीचर्स तो हुंडई का मुकाबला नहीं बेसिकली इस रेंज में, जो है जिस रेंज में हुंडई निकालती है। बाकी इसका पेट्रोल इंजन इतना पावरफुल नहीं है, अगर पेट्रोल इंजन बढ़िया होता तो बात होती,
भाई होंडा सिटी का पेट्रोलिज्म बढ़िया डीजल इंजन का नहीं है वो भाई हर चीज मिलती नहीं आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है। इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जल्दी में मैं बोल देता हूँ, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। राम राम।